सर्वप्रथम शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कर्मचारी या संस्थेचे सर्व सर्व कर्मचारी बंधू भगिनीचे अभिनंदन चल एकदा वाचून दाखवतो सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानू सर्वसाधारण मतदार संघ सर्वसाधारण मतदार संघ जावेद अब्दुल रऊफ 33 मते पराभूत खान सिकंदर शमशेर 24 मते पराभूत चावरिया राजेश मोहन 22 मते पराभूत चावरिया विक्रम विष्णु 96 मते पराभूत चंद्रशेखर राजू रतनलाल 98 मते पराभूत जगताप विलास उत्तमराव 134 मते विजयी जाधव अनिल संतोष 110 मते पराभूत तळेकर सागर 37 मते पराभूत दाभाडे रवींद्र लक्ष्मण 93 मते पराभूत पोहाल बलवान छोटूराम 107 मते पराभूत बेगम असद रहीम बेग असद रहीम 25 मते पराभूत मुक्तार मधुकर पांडुरंग 110 मते विजयी चिठ्ठीद्वारे विजय झाला यांचा मिर्झा फेरोज नसीर 109 मते पराभूत शिंदे योगेश परसराम 116 मते विजयी सय्यद अजीम महबूब 38 मते पराभूत सुंकेवार सचिन रत्नाकर 120 मते विजयी सौदे विक्रम रघुवीर 128 मते विजयी युवराळे सुनील श्रीराम 125 मते विजयी अनुसूचित जाती जमाती खेत्रे दिलीप बाबूराव 144 मते विजयी सातपुते प्रेमनाथ सकाराम 123 मते पराभूत सौदे फुलाबाई श्यामसिंग 23 मते पराभूत विजापूर मतदारसंघ राजपूत मनोज बाबू सिंग 153 मते विजयी राठोड लहू किशनराव 128 मते पराभूत इतर मागास वर्ग कातार पांडुरंग हरी 132 मते पराभूत शेगोकार अमोल जानराव 152 मते विजयी महिला राखी हमारे पे विश्वास किया हमने उस पे सही उतरे है और आगे जो विलास भाव करेंगे हम उनके साथ में बोले कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ की ओर से जो जवाबदारी मेरे पे डाली हुई थी मैं कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ का मुखिया किया गया था कास्ट्राइब पैनल का और वो कास्ट्राइब पैनल को सभी सभासदों ने मतलब चुन के दिए और बहुमत से चुन के लाए इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जगताप साहब आपके पैनल से कितने उम्मीदवार विजय हुए महिला और पुरुष इस बारे में बताएं। मेरे पैनल से 6 उम्मीदवार विजय हो गए और महिला में से कोई नहीं आया 2 वोट से सिर्फ 1 महिला का हमारा ये हो गया। अब आपको बहुमत मिलेगा सर अध्यक्ष बनेंगे या पुरुष बनेगा? अध्यक्ष में पुरुष बनेगा और मेरे पैनल से ही बनेगा। मेरे पैनल में से मैं नहीं बनूंगा लेकिन मेरे पैनल से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आपको बहुमत के लिए कितने वोट चाहिए? 6 वोट चाहिए, 6 उम्मीदवार चाहिए थे, 6 संचालक और 6 के 6 मेरे चुन के आ गए। अब आप चुनकर आए तो आप कैसा काम करेंगे उस बारे में बताइए। मैंने जो आपके न्यूज चैनल को मैंने पहले बताया था कि मेरा एजेंडा क्या रहेगा और मैंने सबसे पहले जो बोला था वो मेरे जो कोई उम्मीदवार है मेरे जो कोई संचालक चुन के आए हुए मैं उनसे सबसे अपने विश्वास में लेके उनको विश्वास में लेके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो उस बारे में बताइए। बिल्कुल मैं सब लोगों का मैं धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद ये करता हूँ। मुझे जो विलास भैया ने जो ये पद पे लाने के लिए जो मेहनत ली है हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने सब पत्रकार भाइयों ने बहनों ने
जो भी हमारे जो हमने जो उद्दिष्ट में लिखा है वो हम ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। आप कितने मतों से चुन के आए अभी? हम 153 मत से मैं अकेला चुन के आया हूँ। जी सर, पैनल तर्फे निवडून आलो तर सगळ्यात पहिले एवढं सांगू शकतो, विलास भाऊंनी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन चांगलं प्रकारचं पॅनल टाकलं होतं। मी आजही परत एकदा सांगतो, सर्व मीडिया समोर सगळ्यात तरुण लोकांचं पॅनल होतं, फक्त कास्ट ट्राईबचं होतं आणि तरुण आणि सुशिक्षित। आमचे मुद्देही असेच होते जे लोकांना आवश्यक होते, जसे की मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा विमा होणे आवश्यक आहे हे कास्टाईंना ठासून सांगितलं। आजही आम्ही ते ठासून सांगू आणि हे केल्याशिवाय राहणार नाही। के और से जो हमारे 6 मेंबर चुनकर आए, विश्वास विलास भाई ने जो हमें विश्वास दिया था पूरे ताकत से हम लड़े, जो हारे उनके उनको भी हमारे तरफ से धन्यवाद, जो जीते उनको भी धन्यवाद। हमारी ये बच्ची थी एक महिला प्रतिनिधि, सिर्फ दो वोट से गिरी हुई है, महिला तत्व दुख रहे मतलब महिला नसला बोला आपके महासंघाचं उमेदवार भाऊचे आहे, मी निवडून आलेले सर्व सभासदांचे खूप खूप आभारी आहे, थँक्यू। सबको धन्यवाद बोलती हूँ मैं, हमारा कास्ट ट्रैक पैनल आपने चुन के लाए, हम पे विश्वास रखे, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।